আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন গাইজ? আমি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। মাই নেম ইজ আমাদ লতিফ অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং পাকিস্তানি বাংলা রিয়াকশন। সো গাইজ, সবসে পহলে কংগ্রেচুলেশনস জো হিস্টোরিক ভিক্টরি লি হ্যায় বাংলাদেশ নে সাউথ আফ্রিকা কে এগেনস্ট। বহুত হি আচ্ছা ম্যাচ চলা জি। থার্ড ম্যাচ জো থা ज़बरदस्त, पहले बॉलिंग की गई है, फिर ज़बरदस्त बैटिंग की गई है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहुत ही कुछ विकेट्स, 9 विकेट्स से जो है ना वो बांग्लादेश ने विक्ट्री अपने नाम की है जी। ये 3 मैचों की सीरीज़ थी जो 2-1 से बांग्लादेश ने अपने नाम की है। इसमें अब कहा जाए तो तस्कीन अहमद जो मैन ऑफ द सीरीज़ भी रहे हैं, मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं। ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रही है बांग्लादेश की जानिब से। और दूसरी तरफ देखा जाए तो तमीम इकबाल जो है, इनकी बैटिंग ने भी मतलब ज़बरदस्त इन्होंने बैटिंग की है और 80+ रन जो हैं स्कोर किए हैं और 9 विकेट्स जो है बांग्लादेश ने विक्ट्री हासिल की है। सीरीज़ भी विन की है बट मैच जो जीता है लास्ट वाला, इसने जो है ना ज़बरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया है। और फ्यूचर में अभी 2 टेस्ट मैच भी अभी खेले जाएंगे बिटवीन बांग्लादेश एंड साउथ अफ्रीका। आगे रमज़ान भी आ रहा है तो उम्मीद है इंशाल्लाह बांग्लादेश जो है इन मैचेस में भी ये विक्ट्री का जो एक जो है ना एक सीक्वेंस है इसको जारी रखेगी, इसको भी सीरीज़ को अपने नाम करेगी। और एक मुबारक महीना भी आ रहा है रमज़ान का, तो आपसे दुआओं की भी दरख्वास्त है, अल्लाह ताला अपनी रहमत जो है वो नाजिल करे। जितने भी दुनिया के अंदर मुसलमान ममालिक हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इनकी यूनिटी भी हो। और इंशाल्लाह उम्मीद है रोज़े भी रखेंगे और दुआएं भी करेंगे एक दूसरे की कंट्री के लिए, और पाकिस्तान और बांग्लादेश की यूनिटी के लिए भी आपने दुआएँ ज़रूर करनी है। सिर्फ लोकल लेवल पे नहीं, जो गवर्नमेंट लेवल है यहाँ तक भी हमारे जो आपस में रिलेशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग हो सकें। और एंड में फिर मैं यही जी कंग्रेचुलेशंस कहता हूँ बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को, इन्होंने एक ज़बरदस्त तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दी है। अच्छा, एक चीज़ देखी गई है कि पहले भी हमने काफ़ी सीरीज़ पे रिएक्शंस दी हैं ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ और बाकी जो है ना कंट्रीज़ के अगेंस्ट जो है वर्ल्ड कप से पहले बहुत ज़बरदस्त जो है इन्होंने शो ऑफ किया था अपना जो है ना अपनी परफॉर्मेंस जो शो की थी बांग्लादेशी क्रिकेट टीम ने। बट जो है ना आप कह सकते हैं कि बैड लक था या अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप के अंदर वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो शो नहीं कर सके। तो इसलिए मैं कहूँगा अभी उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश जो है उन गलतियों से सीखे, अपनी जो स्किल्स हैं उनको पॉलिश करें, क्योंकि बैट्समैन नो डाउट बॉलर्स भी बहुत अच्छे अच्छे इस वक्त जो है बांग्लादेश में मौजूद हैं। बस उनको ज़रा अपनी स्किल्स को पॉलिश करने की ज़रूरत है, निखारने की ज़रूरत है और वो अपने कंट्री के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी क्रिकेट टीम को। और बस एंड पे दोबारा यहीं पे वीडियो को एंड करता हूँ कंग्रेचुलेशंस के साथ जी, मज़ा आ गया। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स जो आपको देते रहेंगे। बस हमें दें इजाज़त, अपना रखें गाइस बहुत ज़्यादा ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Soul searching after this defeat, because after bouncing back at Wanderers, one got a sense that like South Africa have done throughout the course of the summer, lose the first game, come back after that, maybe it'll be more of the same. Not so, it's been all Bangladesh. Yeah, most runs, Tamim Iqbal, most wickets, Tuskin Ahmed. What can you ask for? It's just been magnificent performance from Bangladesh.